इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बी टाउन में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के जलसा से बाहर होने की चर्चा है। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट में आज हमारे खास प्रोग्राम के साथ मैं तृप्ति आप सबके बीच नेक्स्ट नाइन लाइफ में लेकर आई हूँ। खास तौर पर ये एक राज जो कि ऐश्वर्या अभिषेक के खास तौर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर है, उनके प्लानिंग को लेकर है। अगर जलसा छोड़कर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी माँ वृंदा राय के यहाँ रहने गई हैं, तो क्या वाकई में उन्होंने जो घर खरीदा, जो आलिशान आशियाना खरीदा है, वहाँ वो फिलहाल शिफ्ट नहीं होंगी? वैसे फिलहाल उनके फैसले क्या हैं ये तो पता नहीं, मगर आगे इन फ्यूचर इन केस उन्हें जलसा से बाहर परमानेंट अभिषेक के साथ सेटल होना पड़ता है, तो इसके लिए पहले से ही ऐश्वर्या और अभिषेक ने तैयारियां कर ली हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी है ऐश्वर्या और अभिषेक की तरफ से अलग सेटल होने के लिए, जिसके लिए उन्होंने बेहद खूबसूरत आशियाना भी खरीद लिया है, अपना आशियाना सजा दिया है, जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ऐश्वर्या अभिषेक ने मिलकर। और कहीं नहीं, मुंबई में ही उनका एक आलिशान आशियाना है जो कि एक बड़े अपार्टमेंट के अंदर है, और वो खूबसूरत घर उन्होंने अपने नाम पर खरीदा है। जब ये घर उन्होंने खरीदा था, तभी से सवाल उठा आखिर ऐश्वर्या अभिषेक ने ये घर क्यों खरीदा, जहाँ उन्होंने रेंट लगाया नहीं। क्या वो रेंट में उस घर को देना चाहती थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को सोचते हुए अलग सेटल होने के लिए उन्होंने ये घर खरीदा? क्योंकि सबको पता है कि आज जलसा में श्वेता बच्चन, अमिताभ और जया की बेटी, परमानेंट शिफ्ट हो चुकी हैं, ये चर्चा सबके बीच है, और उन्हें जुहू वाला बंगलो भी अमिताभ ने गिफ्ट कर दिया है। तो ऐश्वर्या अभिषेक को जो उन्होंने गिफ्ट नहीं किया मकान, क्या जलसा में ही उन्हें मिलेगी हिस्सेदारी? चर्चा तो तमाम है, लेकिन बावजूद इसके अमिताभ जया से अलग हटकर अगर मुंबई में एक घर बना लिया है ऐश्वर्या अभिषेक ने, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कारण यही कहा जा सकता है कि वो आगे फ्यूचर में उस घर में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम के इस रिपोर्ट में उस घर के बारे में बताएंगे, ले चलेंगे हम आपको उस रिपोर्ट में जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है ऐश्वर्या अभिषेक के उस घर को लेकर, जो कि मुंबई में ही है, लेकिन अमिताभ जया का वहाँ कोई हक नहीं बताया जा रहा, क्योंकि पूरी तरह से अपनी कमाई ऐश्वर्या अभिषेक ने लगाई है उस घर को खरीदने के लिए, उस घर को सजाने के लिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना जानते हैं उस घर के बारे में जो ऐश्वर्या अभिषेक ने खुद से खरीदा खुद के लिए। देखिए रिपोर्ट। वेल, सही सुना आपने, यहाँ पर ऐश्वर्या और अभिषेक के उस लग्जरी हाउस की हम बात करने वाले हैं जो उन्होंने जलसा शिफ्ट होने के काफ़ी सालों बाद खरीदा। वो घर जो उन्होंने अमिताभ और जया की गैर मौजूदगी में खरीदी, वो घर जो उन्होंने अपने पैसों से अपने सपनों के महल को सजा कर पूरी तरह से अलग शिफ्ट होने का प्लान बनाकर खरीदा है। लोगों के बीच चर्चा लगातार यही है कि आज अगर ऐश्वर्या अभिषेक ने न्यू होम को खरीदने के बाद जलसा से बाहर शिफ्ट होने का फैसला लिया है, तो इसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने पहले ही इसकी पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी। हालांकि अभिषेक बच्चन जब फॉरेन से इंडिया लौटे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने जलसा में रहने का फैसला लिया था। कई बार अभिषेक बच्चन को ट्रॉल किया गया, ये कहा गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी से पहले भी अभिषेक अपने माँ बाप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे। इस पर भी अभिषेक ने जवाब दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे लोग कितना भी कहें, क्योंकि जब उनके माँ बाप को उनकी ज़रूरत है तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बुढ़ापे की इस उम्र में बेटे के सहारे की ज़रूरत हर माँ बाप को होती है, और वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, चाहे लोग कितनी भी बातें इस पर बनाएं। अब जानते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक के उस नए घर के बारे में जो कि लगभग 21 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। जी हाँ, एक बेहद खूबसूरत मुंबई के अपार्टमेंट में ऐश्वर्या और अभिषेक ने अपना फ्लैट खरीदा है, जिसका जिक्र कई दफ़ा हुआ। तो ये तस्वीर देखिए, गॉर्जस ऐश्वर्या और अभिषेक कपल ने जलसा से अलग ये खूबसूरत घर जो खरीदा, इसे बताया जा रहा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में
ख़ास तौर पर इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत ये फ्लैट 37th फ्लोर पर है, जो कि स्काई लार्क टावर में ख़ास तौर पर बताया जा रहा है। इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, जी हाँ, इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऐश्वर्या और अभिषेक ने सालों पहले ही खरीद रखा था और इसके लिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पहले से ही शुरू कर दी थी। तो बता दें आप सबको, इस घर में ऐश्वर्या और अभिषेक अभी तक सेटल नहीं हुए। हालांकि जिस तरह इस घर को उन्होंने अपने पसंद से डिज़ाइन कराया है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक इस फ्लैट को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदे, बल्कि वहां वो आने वाले समय में शिफ्ट भी हो सकते हैं, इसके लिए ही उन्होंने इस फ्लैट को खरीदा है। आप अगर तस्वीरें देख रहे हो तो इनसाइड तस्वीरें ऐश्वर्या और अभिषेक के इस न्यू हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक स्पेशल रूम है जो कि खास तौर पर आराध्या बच्चन के लिए बताया जा रहा है। तो वहीं सिग्निया एसलिस बता रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में से एक है जहां आराध्या बच्चन के लिए स्पेशली डिज़ाइन कराया गया है एक कमरा। और तो और, उस कमरे में जिस तरह के डेकोरेशंस हैं, स्पेशली फेरी टेल कैरेक्टर्स, फेवरेट कॉमिक, ये सब देखकर ये पता चल गया कि वाकई में ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ इस घर में शिफ्ट होने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रही हैं। वैसे तो आपको बता दें कि आइलैंड प्रॉपर्टी भी इसे कहा जा रहा है, जो कि लग्जरी और ऑपुलेंस खास तौर पर माना जा रहा है, मिथी रिवर के करीब है। तो वहीं आपको बता दें, इसके अलावा ऐश्वर्या और अभिषेक ने इस घर के बारे में पहले कभी किसी से खुलकर बात नहीं की थी। सीक्रेटली उन्होंने इस घर पर अपना पैसा लगाया। हालांकि अमिताभ और जया का जब इस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं मिला तो लोगों ने यही बात कंफर्म तौर पर मान ली है कि ऐश्वर्या और अभिषेक जलसा से बाहर अपनी प्रॉपर्टी खरीद कर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेटलमेंट के लिए पूरी तरह से तैयारी कर बैठे थे। तो ऐश्वर्या अभिषेक के जिस घर की हमने बात की, वो किस तरह से सबसे ज़्यादा अब सवालों में है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जलसा में ऐश्वर्या राय बच्चन अब बाकी परिवार के साथ नहीं रहती, हर किसी के बीच चर्चा यही बनी हुई है। खैर, ऐश्वर्या अभिषेक के इस घर को देखने के बाद अब उनके मन में क्या होंगे और भी फैसले, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर भेजें, ताकि हर अपडेट्स भेजने के साथ हम आपकी राय लोगों तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए हम लेंगे आपसे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।